السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما لا ينفد ومرافقه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنه الخلد امين يا رب العالمين पिछली दफ़ा से हम पढ़ रहे थे कि अब माशरे में जब तीन साल के बाद थोड़ी ओपन दावा का सिलसिला शुरू हुआ, हुआ के हुक्म से तो माशरे में अनरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया और माशरे ने जैसा एक ह्यूमन नेचर का तरीका है ना कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीक़ों से रिएक्ट करना कभी लालच देना कभी रोब में रोब वाली आवाज़ निकाल के रोब वाली बात करना कभी कोई और मॉरल प्रेशर डालना कभी कोई अपनी ताकत का इज़हार करना तो ये चीज़ें जो हैं ये भी साथ के साथ ही शुरू हो गई तो हमने देखा कि ये पहली दफ़ा अबू तालिब के पास गए तो कोई बातचीत करके उठ के आ गए फिर उसके बाद ये दोबारा अबू तालिब के पास गए तो ये वलीद बिन मुगीरा का बेटा साथ ले गए कि तुम इसको रख लो यानी आप देखें कि शिरक एक तरह से इंसान की मत भी मारता है कि कितना एक अजीब व गरीब ये एक ऑफ़र थी कि तुम इसको रख लो और इसको अपना बेटा बना लो सारी मोहब्बतें जो हैं नेचुरल मोहब्बतें है, तबई मोहब्बतें वो भी सारी की सारी जो हैं वो इसको दे दो और अपना जो भतीजा है वो हमारे हवाले कर दो तो अब ने बिल्कुल ही ह्यूमन नेचर के मुताबिक जो जवाब है वो दिया कि ये अच्छा ये अच्छी ऑफ़र है कि मैं तो तुम्हें आ, अपना बेटा दूं कि तुम लोग उसको क़त्ल कर दो और उसको मारो और तुम मुझे अपना बेटा दो और मैं उसे पालूं पोसूं और मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं अच्छा ये को होस्ट जो भी हैं वेटिंग रूम में लोगों को जो है उनको एडमिट करते रहें प्लीज़ और या फिर वेटिंग रूम का ऑप्शन ख़त्म कर दें खैर तो अब यह है कि उत्बा बिन रबिया की जो तजवीज़ है नेक्स्ट स्टेप ये था उत्बा बिन रबिया आपको पता है हिंद बिन उत्बा का बाप था और एक बड़ा ही हकीम और बड़ा वाइज दाना ये इंसान था और अच्छी बातें कहने वाला और अच्छी नसीहतें करने वाला इंसान था बेसिकली तो आ, आ, इसने आ, कहा कि अब मैं कुछ करता हूँ क्योंकि अबू तालिब के से जब नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम भी ये लोग मायूस हो गए तो इन्होंने आपस में मशवरा किया और फ़ैसला किया कि कुछ ऐसे मुजात किए जाएँ नबी सल्ल वसम के साथ और कुछ ऐसी पुरकशिश इनको तरगीब दी जाए और ऑफ़र्स दी जाएँ कि जिनको ये रिजेक्ट कर ही ना सकें रिफ़्यूज़ कर ही ना सकें तो एक दिन मक्का में हरम में इन्हीं सरदारों की महफिल जमी हुई थी ये इनका तरीक़ा था ये बैठा करते थे आपस की गपशप के लिए बातचीत के लिए ज़रूरी बातचीत के लिए भी हरम में बैठना इनका तरीक़ा था इनकी ज़िंदगी की रूटीन के अंदर ये चीज़ शामिल थी तो ये हरम में बैठे थे तो रसूल अलैहि वसल्लम भी एक गोशे में आ, बैठे थे और अल्लाह तआला की याद कर रहे थे जिक्र कर रहे थे जो भी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक साइड पर मौजूद थे तो उत्बा कुरैश से कहने लगा कि मैं जाता हूँ मोहम्मद वसल्लम की तरफ़ इनसे बात करता हूँ और उन्हें कुछ तजावीज़ पेश करता हूँ यानी बेसिकली ही वॉज़ सेइंग के मैं ऐसी ऑफ़र देता हूँ कि जिसको वो रिफ्यूज़ ना कर सके ऐसी ऑफ़र देता हूँ कि जिसको वो रिफ़्यूज़ ना कर सके और कोई तजवीज़ तो वो कबूल कर ही लेगा कोई माल की कोई दौलत की कोई ओहदे की रुतबे की तो वो हम पूरी कर देंगे और ताकि ये अपने दीन की तरवीज से इशात से बाज आ जाए खैर जी ये गया और रसोल्ला सल्ल वसल्लम की खिदमत में पहुँचा और आपके पास बैठ गया और थोड़ी देर के बाद रसोल्ला सम उसकी तरफ मुतवजे हुए तो उसने सवाल किया कि ए मोहम्मद अलैहि वसल्लम और अमूमन ये भतीजे भी कहा करते थे कि ए भतीजे आप बेहतर हैं या अब्दुल्ला बेहतर थे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात का जवाब ना दिया उतबा ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि आप बेहतर हैं मुत्तलिब तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे और फिर एक और रिवायत के मुताबिक ये भी आता है कि उतवा ने पूछा कि आप बेहतर हैं या हाशिम और इस सवाल पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर खामोश रहे तो उतवा बोला कि अगर आपका ख़्याल है कि ये लोग आपसे बेहतर थे तो वो तो उन्हीं महुदों की पूजा करते थे जिनको आज आप बुरा कहते हैं या आप जिनको गलत करार देते हैं और अगर आप समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं तो फिर आप दलील से बात करें ना आप हमें अच्छी तरह से अपनी बात क्लियर करके बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आप चाहते क्या हैं फिर उसके बाद मजीद उतबा ने कहा कि अ भतीजे आप जानते हैं कि आप अपने कबीले में हम सबसे ज्यादा शर्फ रखने वाले हैं बेहतरीन नसब वाले हैं और आप इतना बड़ा मामला लाए हैं कि उसकी वजह से आपने बुजुर्गों के दीन से ही इनकार कर दिया है आपकी कौम में से कोई भी इस तरह की चीज़ लेकर नहीं आया ए भतीजे अब मैं चंद तजावीज़ पेश करता हूँ उन पर गौर फरमाएँ शायद आप इन में से कोई तजवीज़ कबूल कर लें रसोल्ला सल्हस ने फरमाया अबुलवलीद आप कहें आप क्या कहना चाहते हैं मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ यानी आपने जो कोई ऑफ़र देनी है आप वो ऑफ़र मुझे दें तो उतबा कहने लगा कि भतीजे जो चीज़ आप पेश कर रहे हैं अगर तो आपका मकसद माल जमा करना है यानी ये लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि किसी का कोई उखरवी मकसद भी हो सकता है इतनी बड़ी बात कहने में ये इनकी समझ से फहम से ही बाला तर बात थी तो उसने कहा कि अगर तो आपको माल चाहिए तो हम आपके लिए इतना माल जमा कर देते हैं कि आप हम सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और अगर आपको जाहो मंजिलत चाहिए तो हम आपको अपना सरदार बना लेते हैं यहाँ तक कि आपके अलावा कोई हमारा फैसला करने वाला भी ना होगा बादशाहत आपको अगर चाहिए तो हम आपको अपना बादशाह बनाने को भी तैयार हैं हालांकि ये वो अब अरब माशरा था कि जिसमें ये लोग किसी एक की हुक्मरानी तो मानते ही नहीं थे ना इतने ज़्यादा ये एरोगेंस थी इनके अंदर उसके बावजूद डेस्परेशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बादशाह बनाने को भी तैयार हैं फिर कहने लगा कि अगर आप किसी ऐसे जिन को देखते हैं जो आपके पास ऐसी कोई चीज़ लेकर आता है और आपसे वो दूर नहीं हो रहा तो हम खुद अपने खर्च पर आपके इलाज मुआवजे का अहतम करेंगे ताकि आप उससे निजात पा जाएं क्योंकि बाज़ दफ़ा जिन आदमी पर लबा पा लेता है और फिर उसका इलाज ज़रूरी हो जाता है और एक और रिवायत के मुताबिक उतबा ने यह भी पेशकश की कि अगर आप शादी करने के ख़्वाहिशमंद हैं तो हम दस लड़कियों से आपकी शादी कराने को तैयार हैं और कुरैश की जिस खूबसूरत से खूबसूरत और हाई क्लास एलीठ दोशीज़ा से आप शादी करना चाहें हम खुशी आपकी शादी कर देंगे आप क्या चाहते हैं दौलत चाहते हैं दौलत मिलेगी हुकूमत चाहते हैं हुकूमत मिलेगी औरत चाहते हैं औरत मिलेगी बस आप ये चीज़ छोड़ दें जो आप कह रहे हैं उतबा जब अपनी सारी पेशकश कर चुका तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए वलीद क्या आप अपनी बात पूरी कर चुके तो उसने कहा कि जी हाँ मेरी बात पूरी हुई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फस्मा मिन्नी तो अब मुझसे सुनो उतबा कहने लगा कि हाँ आप कहें मैं सुनने को तैयार हूँ तो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुस्सिलत हामीम अस्सजदा की तिलावत फरमाई और ये तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयत की फरमाई थी मैं अरबी ही पढ़ूंगी और साथ उसके हम तर्जुमा भी देखते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल किया हुआ كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن, بين ومن, بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وو وويل للمشركين <applause> الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقل فقل مثل ज़ालक तक़दीआजीज़लीसजदा آية نمبر एक से आयत नंबर तेरा और इसके मानी क्या हैं ये क़ुरान रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल किया हुआ है ये ऐसी किताब है जिसकी आयत खोल खोल कर बयान की गई है इस हाल में कि ये कुरान अरबी है इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं जो बिशारत देने वाला और डराने वाला है फिर उनमें से अक्सर ने इससे मुंह मोड़ लिया तो वो सुनते ही नहीं और उन्होंने कहा जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है उससे हमारे दिल पर्दों में है और हमारे कानों में डाट लगे हुए हैं और हमारे और तेरे दरमियान एक पर्दा है लिहाजा तू अपना काम कर बिला हम अपना काम करने वाले हैं कह दीजिए बस मैं तो तुम्हारे जैसा ही एक बशर हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है ये कि तुम्हारा मबूद सिर्फ एक ही है लिहाजा उसकी तरफ यकसुई से मुतवजह रहो और उसी से बख्शिश मांगो और मश्रकिन के लिए हलाकत है जो ज़क़ात नहीं देते और वो आखिरत के भी मुनकर हैं बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक नकमल किए उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है आप कह दीजिए क्या तुम वाकई उस जात का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को दो दिनों में पैदा किया और तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो वो तो जहानों का रब है और उसने इस ज़मीन में उसके ऊपर मजबूत पहाड़ बनाए और उसमें बरकतें रखें और उसमें ग़ज़ाओं का ठीक अंदाज़ा रखा और ये काम चार दिनों में हुआ पूछने वालों के लिए ठीक जवाब हो गया फिर वह आसमान की तरफ मुतवजह हुआ जबकि वह धुआं था तब अल्लाह ने उससे और ज़मीन से कहा तुम दोनों खुशी से या ना खुशी से आओ तो उन दोनों ने कहा हम दोनों बखुशी हाजिर हैं फिर उसने उन्हें दो रोज़ में सात आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके काम की वही फरमा दी और हमने आसमानी दुनिया को चिरागों से यानी सितारों से ज़ीनत बख्शी और उसकी खूब हिफाज़त की ये नहाय गालिब खूब जानने वाले की तदबीर है फिर अगर वो मुंह मोड़ें तो कह दीजिए मैंने तुम्हें ऐसी कड़क से यानी आसमानी अजाब से डरा दिया है जो आद और समूद की कड़क की मानंद होगी आप देखें क्या ज़बरदस्त सिलेक्शन है आयात की कि जो नबी सल्हलम ने एक पक् काफ़िर को आ, अपना पैगाम बताने के लिए सुनाई है जबकि वो इतना डेस्परेट हो चुका है कि वो हर तरह की ऑफ़र्स दे रहा है दौलत हुकूमत औरत हर तरह की ऑफ़र वो देने को तैयार है और उन्होंने कर भी डालना था उस वक्त अगर नाउज़ बिल्ला रसोल्ला सल्ला वसलम कोई ऐसी चीज़ मांगते तो उन्होंने मान लेनी थी तो वो इतने डेस्परेट हो चुके थे ऐसे इंसान को रसोल्ला सम ने कौन सी आयात सुनाई कि जिन में अल्लाह सुबहान ताली के खालिक होने की बात है ज़मीन व आसमान की तख्लीक ज़मीन व आसमान की तदबीर उसकी प्लानिंग उसकी एक एक ऑर्गेनाइजेशन जो अल्लाह सुबहान की और फिर उसके बाद ये कि हर कोई चाहे ख़ुशी हो चाहे ना ख़ुशी हो इतात तो अला सुबहान तै ही की करेगा और अगर नहीं करेगा तो फिर उन अक्वाम की बात की आद और समूद की कि जिनके बारे में ये लोग जानते थे इनकी हाँ उनके किस्से मशहूर थे और उनकी जो इलाक़ा है वो इन्हीं का इलाका था तो बहुत ही एक वाइज और बहुत ही एक हकीमाना ये सिलेक्शन थी आयत की जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके सुनाई उतवा को अब इन आयत का सुनना था कि उतवा सख्त खौफज़दा हो गया और रहम की इल्तिजा करने लगा और कहने लगा बस कीजिए ए मोहम्मद अलैहि वसल्लम और फिर एक और रिवायत में आता है कि उसने ये भी कहा कि क्या आपके पास इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है यानी इससे ज़रा कम डरा देने वाली या कोई कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर कोई हमारे से बात करने वाली तो रसोल्ला सल्ह स फ़रमाया नहीं फिर आप सल्ह वसम ने दोबारा कुरान पढ़ना शुरू किया और उतबा इस कदर खौफजदा हुआ कि उसने अपने बाजू पीठ के पीछे ज़मीन पर टेक दिए और दम बखुद होकर सुनता रहा नबी अक्रम सल्ह वसलम सूरफ की आयात सजदा तक तिलावत फरमाई आपने और फिर आप सल्ल वम ने खुद सजदा किया और फिर उतबा को कहा कद समेत या अबल बलीद माँ समेतः फ़न्तव का ए अबुल वलीद तुम्हें जो सुनना था वो तुमने सुन लिया अब तुम जानो और ये कुरान जाने मैंने पैगाम पहुंचा दिया है अब यहां से बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतबा वापस कुरैश की मजलिस में पहुंचा तो कुरैश उसको देख कर ठिठक गए चौंक गए और आपस में कहने लगे कि अल्लाह की कसम उतबा जो आ रहा है ये वो उतबा नहीं जो हमारे पास से उठकर गया था इसके तो चेहरे का रंग ही बदला हुआ है उतवा इनके पास आकर खामोशी से बैठ गया लोग पूछने लगे ए वलीद, तुम्हारे पास क्या खबर है क्या बात लेकर आए हो तो उतवा बोला अल्लाह की कसम मैंने ऐसा कलाम सुना है कि इस जैसा कलाम जिंदगी भर नहीं सुना अल्लाह की कसम ना तो वो शेर है ना जादू है और ना ही कहानत है और एक और रिवायत में है कि उतवा कहने लगा कि काबा के रब की कसम मेरी समझ में इसके सिवा कुछ नहीं आया कि उसने ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसी कड़क से डराता हूँ जो आद और समूद की कड़क की मानंद होगी यानी ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ और ये कि अल्लाह ताला ने कितने दिनों में बनाया क्या कितने दिनों में बनाया कैसे अल्लाह ताला ने उसके अंदर सारी उसकी ज़रूरियात की चीज़ें रखी इंसानों के लिए वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आई मुझे तो सिर्फ़ वो आखिरी बात समझ आई है कड़क वाली तो कुरैशियों ने कहा कि ए उतबा तू बर्बाद हो मोहम्मद अलैहि वसल्लम तुझसे अरबी में हम कलाम हुए हैं फिर भी तुझे पता नहीं चला कि उन्होंने क्या कहा उतबा कहने लगा वल्ला मैं कुछ नहीं समझ सका सिवाय आसमानी कड़क के जिक्र के अल्लाह फिर उतबा ने अपनी कौम को कहना शुरू किया और वो एक लेकर आया था एक असर रसुल्लम की बात का तो कहने लगा कि ए कुरैश मेरी बात सुनो और उस पर अमल करो मोहम्मद अलैहि वसल्लम को उनके हाल पर छोड़ दो और जो कुछ वो लाए हैं उसकी राह से हट कर किनारा कशी अख्तियार कर लो अल्लाह की कसम जो कलाम मैंने सुना है यकीनन उसका बहुत अजीम नतीजा निकलने वाला है अगर अरब के एक दीगर कबाइल उनसे जंग करके उनका ख़ात्मा कर देंगे तो तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा खुद ही कोई तकलीफ़ उठाए बग़ैर मोहम्मद अलैहि वसल्लम रास्ते से हट जाएंगे और अगर मुहम्मद वसल्लम ने सारे अरब पर गलबा पा लिया और उन पर अपनी हकूमत कायम कर ली तो वो फिर तुम्हारी ही हुत होगी क्योंकि ये तुम्हारे अपने भाई बंद हैं और इनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी तुम्हारे हिस्से में भी आएगी और तुम भी खुश नसीब ठहरोगे यानी इसका रास्ता छोड़ दो हमारे अंदर इसका इस मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है ये बात सुनकर कुफ जो कुफार थे ये बहुत सख्त गुस्से में आए और कहने लगे कि वलीद मोहम्मद वसल्लम ने अपनी ज़बान से यानी वो जो कहते थे कि यह जादूगर हैं और ये मसूर कर लेते हैं अपनी ज़बान से तो उसने तुम पर जादू कर दिया है और तुम्हें अपना गर्विदा कर लिया है तो उतवा बोला मैंने तुम्हारा तुम्हें तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए मशवरा दिया है अब तुम जो चाहो करो यानी मानना है तो मानो मेरी बात नहीं मानना तो ना मानो लेकिन मेरी रीडिंग यही है कि तुम लोग इसका रास्ता छोड़ दो अब सारा जो माशरा है वो बाज़ात ये होता है कि जब किसी मुश्किल सिचुएशन में लोग आते हैं तो कभी दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं कॉमन एनिमी के अगेंस्ट और कभी ऐसा होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ भी अग्रेसिव हो जाते हैं तो दोनों चीज़ें नज़र आ रही माशरे के अंदर कहीं को एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं कभी बुजदिली के ताने दिए जा रहे हैं कभी दूसरे को प्रोवोक किया जा रहा है कभी इकट्ठे होकर प्लानिंग हो रही है तो फिर उसके बाद उतवा के बाद नेक्स्ट जो एक, एक सेलियंट जो वाक्य है वो दुश्मन इस्लाम वलीद बिन मुबीरा का है खालिद बिन वलीद रदील तन का ये बाप था और ये इंतहाई दौलतमंद एक शख्स था और कुरैश इससे बहुत मोहब्बत करते थे और उसको कुरैश कहा करते थे कुरैश का फूल और इसकी दौलत जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि बाकी सारे कुरैश की दौलत इकट्ठी करके एक तरफ और इस अकेले की दौलत एक तरफ और ये इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि एक साल कुरैश सारे मिलकर बैतुल्ला का खिलाफ़ चढ़ाते और अगले साल वलीद बिन मग़ी अकेला ही बैतुल्ला का गिलाफ़ चढ़ाता और इसको अल्लाह ताला ने दस बेटे भी अता फरमाए थे और इतना माल और इतने इसके पास वसायल थे कि इसके बेटे जो हैं जैसे अल अलमुदसर में आते हैं ना वनिया शुहुदा के बेटे उसके पास हाजिर रहते थे तो उनको तजारत की गर्ज से बाकी लोगों की औलाद की तरह सीरिया और यमन यहाँ नहीं जाना पड़ता था उसके पास इतने ग़ुलाम और नौकर चाकर थे जिनके ज़रिए से वो तजारत करता और उसके बेटे उसके पास ही रहते सेफ़ एंड साउंड सिक्योर उसके बेटे उसके पास ही रहते यानी एक बहुत ही बड़ी ये भी उसको अल्लाह ताला ने नेमत दे रखी थी अब इसने एक मर्तबा रसूल अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर तो कहा कि ए मोहम्मद मुझे क़ुरान सुनाइए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरान नाहल की आयत नंबर 90 उसके सामने पढ़ी इन मरुबिलदिल वहसान व ईता इदिलक़ुरबा वनह अनिल्फाशा इबल मुनकरबी व याज़कमलाकम तजरून के बेशक अल्लाह ताला अदल और एहसान और कराबत दारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई बुरे काम और म्म ज़्यादती से मना करता है वो तुम्हें वास करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो तो वलीद कहने लगा कि ज़रा दोबारा पढ़ें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयात की तलावत दोबारा फरमाई तो फिर ये उठा और अपनी मजलिस में वापस लौटा और कहने लगा अल्लाह की कसम मैं अभी अभी मोहम्मद से वसल्लम ऐसा कलाम सुनकर आ रहा हूँ जो किसी इंसान का कलाम हो सकता है नहीं किसी जिन का अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में बड़ी शेरिनी है उसकी बुनियाद बड़ी पायदार है उसकी टहनियाँ बड़ी समर आवर हैं इस कलाम में बड़ी कबूलियत और जाजबियत मौजूद है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये इस्लाम लाने के बड़ा करीब आ गया था लेकिन इसको भी अबू जहल ने प्रोवोक किया और अबू जहल ने इसको जब आर दिलाई तो फिर ये अपने दीन पर ही कायम रहा और बदतरीन दुश्मन भी रहा अब ये बात कहकर वो अपने घर चला गया और कुरैश कहने लगे कि वलीद भी बेदीन हो गया है जैसे पिछली दफ़ा बात हुई थी ना कि जिसके बारे में इनको होता कि इस्लाम ला रहा है तो कहते थे ये साबी हो गया है यानी बेदीन हो गया है तो और अगर वलीद साबी हो गया तो फिर तमाम कुरैश साबी हो जाएंगे क्योंकि वलीद जो है उसको तो हर कोई फॉलो करता है और ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है तो अबू जहल बोला कि तुम लोग हौसला रखो मैं जाता हूँ उसके पास और असल सूरत हाल मालूम करता हूँ तो अबू जहल जो है वो सख्त परेशानी की हालत में वलीद बिन मग़ै़रा के पास पहुँचा और कहने लगा कि अच्छा चा तुम्हारी कौम तुम्हारे लिए माल जमा करना चाहती है क्योंकि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उस चीज़ के पीछे पड़ गए हो जो उनके पास है तो इनके ख्याल में दुनियावी माल और दौलत जो है ज़ाहिर है कि वो बेहतर था उस चीज़ से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है तो ये उसकी ही ऑफ़र कर सकते थे तो वलीद ने कहा कि यकीन कुरैश को मालूम है कि मैं सब लोगों से बढ़ कर मालदार हूँ अबू जहल बोला कि फिर ऐसी बात कहो जिससे कुरैश को पता चल जाए कि तुम मोहम्मद को नापसंद करते हो और उसका इनकार करते हो तो वलीद ने फिर अपनी वही बात दोहराई कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ अल्लाह की कसम तमाम लोगों में मुझसे बढ़ कर कोई भी शायरी को नहीं जानता कोई कसीदा गोई का मेरे से ज़्यादा माहिर नहीं है और कोई ज़्यादा मुझसे जन्नात के अशार को भी जानने वाला नहीं है कहानत, शेरगोई सहर, हर चीज़ का मुझे तुम सबसे ज़्यादा पता है लेकिन अल्लाह की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पढ़ते हैं वो कोई और ही चीज़ है वो कलाम इन बातों में से किसी से भी मुशाबहत नहीं रखता और फिर उसने वही बात कही कि इसमें बड़ी दिलकशी है इसकी बुनियाद पायदार है इसकी टहनियाँ समरबार हैं और इसके कबूल करने में बड़ी कशिश और जाजबियत है इस कलाम को कोई भी मकलूब नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ा बुलंद पाया और आला और फा कलाम है और ये कलाम मुकाबला करने वाले को तोड़ के रख देगा ये वलीद बिन मग़ीरा कह रहा है तो अबू जहल कहने लगा तुम्हारी कौम तुमसे उस वक्त तक राजी नहीं होगी जब तक तुम इसके बारे में कोई अपना आ, इंदिया कोई अपना ओपिनियन ना दे दो कुछ तुम नेगेटिव बात करो ज़रूर वरना तुम्हारी कौम तुमसे सख्त नाराज़ है और वो समझ रहे हैं कि तुम बेदीन हो गए हो तो वलीद कहने लगा कि अच्छा थोड़ी देर मुझे अकेले छोड़ो और मैं कुछ सोचूं। और वो जो उसने सोचा अपने घर की तन्हाइयों के अंदर और वो जो उसने सारी बॉडी लैंग्वेज उसकी थी वो सारी की सारी अल्लाह सुबहान ने अल सूरासर में बयान कर दी नशर कर दी कि ये तुम कर रहे थे अपने घर की तन्हाइयों के अंदर और ये सोच विचार करने के बाद तुमने कहा हाजा सेहरू युक् कि ये तो एक जादू है जो चला आ रहा है नस्ल दर नस्ल और अल्लाह सुबहन वूरा में ساري وسكي جو كوشش آه سوش وسكي ديتيل ديتيل ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا و شهودا و له تمهيدا ثم يتمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها تسعة عشر هي ايات نازل هؤي وليد بن مغيرة كي صوت بشار كي جواب मुझे और उसे तन्हा छोड़ दीजिए जिसे मैंने अकेला ही पैदा किया और उसे वाफर माल दिया और हाज़िर बाश बेटे दिए और उसके लिए खूब फराखी का सामान किया फिर वो तमा रखता है कि मैं उसे और ज़्यादा दूँ हरगिज नहीं बिलाशबा वो हमारी आयात से सख्त दुश्मनी रखता है मैं उसे जल्द मुश्किल चढ़ाई चढ़ाऊंगा बेशक उसने गौरव फिक्र किया और अंदाज़ा लगाया सो वो मारा जाए कैसा अंदाज़ा लगाया फिर वो मारा जाए कैसा अंदाज़ा लगाया फिर उसने देखा फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बिसोरा फिर पीठ फेरी और तकबर किया फिर उसने कहा यह कुरान तो सिर्फ जादू है जो पहले से चला आ रहा है ये तो सिर्फ़ एक बशर का कॉल है मैं जल्द उसे सकर यानी जहन्नुम में डालूंगा और तुम क्या समझते हो सकर क्या है वो बाकी रखेगी ना छोड़ेगी वो चमड़ा झुलसा देने वाली है और उस पर उन्नीस फरिश्ते मुकर हैं अब जब तिस आता अशर की आयात आई तो जो लोग आज भी आप देखें कि जो डरते नहीं हैं आखिरत से तो वो मजाकिया बात करते हैं वो मजाक उड़ाने वाली बात करते हैं जो लोग डरते हैं वो कभी भी कुरान के किसी भी मिसाल का किसी भी पैरेबल का मजाक मजाक नहीं उड़ाएंगे तो अबू जहल ने एक इंतहा अहमकाना उसके ऊपर तबसरा किया के कहने लगा के ए गिरह कुरैश तुम इतनी बड़ी तादाद में हो क्या तुम्हारे दस अफरा इन फरिश्तों में से एक पर भी काबू नहीं पा सकेंगे ताकि तुम इन पर गालेब आ जाओ तो फिर अल्लाह सुबहान वाले ने आयात नाजिल की ना अबन नारी मलाय का ये असहाबन नार जो है ये फरिश्ते हैं और फरिश्तों पर काबू पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है फिर इसी तरह से एक और शख्स था कल्दा बिन उसेद और उसने कहा वो बड़ा पहलवान था ताकतवर था और अपनी जिस्मानी ताकत पर बड़ा उसको फ़ख्र हुआ करता था तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो गाय के चमड़े पर खड़ा हो जाता और दस आदमी उसके कदमों के नीचे से चमड़ा खींच कर निकालने के लिए जोर लगाते तो चमड़ा फट जाता लेकिन कलदा बिनु सैद को हिलाया नहीं जा सकता था तो इस मौके पर वो कहने लगा कि तुम दो फरिश्तों को पकड़ कर काबू कर लेना और बाकी सत्रह पर मैं खुद काबू पा लूँगा तो इस तरह की इन्होंने इस बातें करनी शुरू कर दी फिर उसके बाद एक और जो हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया वो क्या था हाजियों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखने की साजिश क्योंकि पिछली दफ़ा बात हुई थी ना कि अलैहि वसल्लम हज के मौसम में जब लोग आते तो उनके पास तशरीफ ले जाया करते थे मिना में तशरीफ ले जाया करते थे और उनको दीन की तबलीग किया करते थे और इसी एक जो था मौसम हज में तो खजरज के कुछ लोग आए हुए थे तो उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की थी और अल्लाह सुबहान की ये प्लानिंग्स होती हैं कोई चीज़ भी इतफाक़िया तो नहीं होती और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना ही आपका आपके लिए वो जगह बना जहां आप हिजरत करके तशरीफ़ ले जाते बहरहाल तो शुरुआत में इन लोगों ने दारदवा में ये जमा हुए और बल्कि वलीद बिन मग़ैरा नहीं जमा किया और कहने लगा कि अब हज का मौसम करीब है और अरबों के गिरो दर गिरो तुम्हारे पास पहुंच जाने हैं और तुम्हें मोहम्मद अलैहि वसल्लम के मामले का भी इल्म है और वो ज़रूर सुन लेंगे लोग और ज़रूर उससे इम्प्रेस हो जाएंगे तो अब हमें कुछ इसके बारे में कोई अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए तो कुरैश कहने लगे कि ए अबू आब्द शम्स आप ही कुछ कहिए और हमारे लिए जो आप तजवीज़ देते हैं इस पर हम मुत्तफिक होकर अरबों को जवाब देंगे कि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनेंगे एक तबलीग तो वापसी हमें क्या कहना है तो वलीद कहने लगा अच्छा पहले तुम लोग अपनी तजावीज़ दो मैं सुनता हूँ जो बेहतर होगी उसी को हम इख्तियार कर लेंगे तो सब कुछ ना कुछ कोई तजवीज़ देने लग गए किसी ने कहा हम कहेंगे कि ये काहिन है तो वलीद ने कहा भल्ला ही वो काहिन नहीं है मैंने काहिनों को देखा है उनके कलाम में काहिनों जैसी गुनगुनाहट और सजा यानी वो रिदम जो है वो नहीं है आप देखिए कि उनको पता था कि ये कहानत नहीं है उनको पता था ये जनून भी नहीं है क्योंकि किसी ने कहा कि हम कहेंगे कि ये मजनून है तो वलीद कहने लगा गलत ये मजनून तो होते ही नहीं हमने मजनून लोगों की कैफियात देखी वो तो पागलों जैसी बातें करते हैं उनके आज़ाब बदन के कप कप आते रहते हैं वो दीवानों जैसी बहकी बहकी बेमानी बातें तो नहीं कर रहे फिर उन्होंने कहा ये शायर है वलीद ने कहा शायर भी नहीं शायरी के साथ इसको कोई ताल्लुक ही नहीं जो कुछ ये कहते हैं फिर इन्होंने कहा हम कहेंगे जादूगर तो वलीद ने कहा जादूगर भी नहीं जादूगर इस तरह की बात तो नहीं करते वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगरों की तरह झाड़ फूंक तो नहीं कर रहे नहीं गिरा लगाते अब आप देखिए सारा पता है सब पता है और सब कुछ पता होने के बावजूद तासुब इंसान के लिए कितनी बड़ी हलाकत बनता है तकबर इंसान के लिए कितनी बड़ी हलाकत बनता है इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबर का क्या डेफिनेशन बताई बतरुलाहंतुलनास ये पूरी उतरती है इन लोगों पर जो इन्होंने नबी अलैहि वसल्लम के साथ किया कि हक का इनकार एट ऑल कॉस्ट्स हक़ का इनकार हर कीमत पर हक़ का इनकार करना है हमें पता है काहिन नहीं है मजनून नहीं है शायर नहीं है जादूगर नहीं है चारों बातें हमें पता है लेकिन उसके बावजूद इल्ज़ाम कोई हमने ऐसा ही लगाना है कि जिससे इसका इनकार हो सके क्योंकि नबी अलैहि वसल्लम को हकीर भी समझते थे और हक़ का तकबर के साथ इनकार भी करते थे तो लिहाजा फिर उन्होंने किस बात के ऊपर एका किया कि हम कहेंगे कि ये जादू है हाल चलो जादूगर कह देते हैं कि शोहर और बीवी में भाई भाई में घरानों में ये कुंबे कंबी कबीले में ये फूट पड़वा रहा है तो इस पर अब सब मुत्तफिक हो गए और जब हज के मौसम में लोग डिफरेंट डिफरेंट कबाइल से आने लगे तो ये मुख्तलिफ़ रास्तों पर इन्होंने अपने अपने लोग कारदे भेजे हुए थे जो शख्स भी जो वक्त गुज़रता उसको ये रोक लेते और उसको ये बताते प्रोपेगेंडा करते बकायदा और बचने की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से बचने की बकायदा तलकीन किया करते थे और कहते कि ये जादूगर आ गया हमारे यहाँ और इसने हमारे पुर अमन माश्रे में फसाद बर्पा कर दिया है और आपको पता है कि इसी तरह के एक जो इनका हरबा था उसी की वजह से कुछ लोग जो हैं उनको तो बाकायदा ये हुआ कि हम देखें तो सही कि ये क्या कहते हैं हम इतने भी कोई बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम इनकी बातों में आ जाएंगे तो और बाज़ लोग जो हैं जो डरते थे वो कानों में रुई ठोंस लेते थे कि हम इनकी बात ही ना सुने फिर इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखने के लिए अबू जहल ने भी एक हरबा इस्तेमाल किया वो जिन लोगों को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चलता और वो आपसे मिलने की गर्ज से आते तो रास्ते में अबू जहल जो है ये कहता कि ये शख्स शराब और जना को हराम कहता है जो अरब की रवायात थी और ये उन्हें हराम करार देता है तुम लोग पलट जाओ हम तुम्हारे गुनाहों के बोझ उठा लेंगे और अल्लाह आज भी किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कोई मॉरली प्रेशराइज़ करना हो कोई काम करने के लिए तो ये तरकीब आज भी ये जुमला बोला जाता है तुम गुनाह मेरे सराहने दो ना लेकिन अल्लाह सुभान व ने क्या आयत नाज़िल फरमाई व यहमिलुना अस्कालेहुम व अस्कालम मा अस्कालेहुम कि यकीनन वो अपने बोझ और अपने बोझों के साथ कई और बोझ जरूर उठाएंगे यानी ये गुनाह करने का बोझ भी उठाएंगे और दूसरों से गुनाह करवाने का बोझ भी उठाएंगे लेकिन जिसने गुनाह किया है उसके सर भी उसका बोझ होगा ये नहीं कि कोई कहे कि मैंने तो फिलहाल कर दिया था तो उसका उसी के उस सर के ऊपर है मेरे सर से हट जाएगा किसी के सर से हटेगा नहीं सल इल्ला मा के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की और ये कि वह अल्लाह तजी वाजिर तुम उखरा कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ कयामत के दिन नहीं उठाएगी फिर अब आप देखें कि दिन ब दिन फ़र्क फ़र्क वाक़ात डिफ़रेंट डिफ़रेंट नौत के होते चले जा रहे हैं अब उनमें से एक सेलियंट वाक़ क्या है कि ये कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो हैं ये कुरान सुने बग़ैर नहीं रह सक रहे थे इनको कुरान में इतनी अट्रैक्शन मालूम हो रही थी कि ये क्या हुआ कि रात को अलैहि वसल्लम अपने घर में कुरान की तिलावत फरमाया करते थे तो इन में से अबू सुफियान बिन हर्ब अबू जहल बिन हिशाम और अखनस बिन श्रैक़ ये तीन जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने के लिए लिटरली बेताब हो गए और रात की तारीकी में चोरी छुपे अपने घरों से निकलते और तीनों अलग अलग के कोई हमें देखना ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर दीवारों के पास बैठ कर छुप कर कुरान सुना करते थे और तीनों एक दूसरे से बेखबर थे और जब आपके घर के पास पहुंचे और तीनों ने अलग अलग जगह पे बैठ के तिलावत सुनी और सुबह तक ही सुनते रहे और जब वापस घरों को जा रहे थे तो एक दूसरे से मुलाकात हो गई और एक दूसरे को मलामत करने लगे कि आइंदा बिल्कुल नहीं हमने आना और अगर हमारी अवाम्नास को पता चल गया कि हम भी रातों को छुप छुप कर कुरान सुनते हैं तो उनका तो अकीदा बिल्कुल ही बदल जाएगा दूसरी रात आई तो फिर इनसे ना रहा गया आप देखें कि अल्लाह ताला ने हर किसी की हिदायत का बंदोबस्त जरूर किया है ये दिल की बेताबी भी दरअसल फिर पैदा तो अल्लाह ताला ही की की हुई थी ना कुरान की तासीर उसी के दिल पर होती है कि जिसके लिए अल्लाह चाहे तो दिल के अंदर अबू जहल के भी बेताबी पैदा हुई अखनस बिन शुरैक के भी पैदा हुई और इन तीनों में से अल्लाह सुबहान हिदायत बहरहाल सिर्फ अबू सुफियान के लिए रखी थी तो दूसरी रात आई तो ये तीनों फिर अपनी मुकर्रा जगहों पर पहुंच गए और तिलावत सुनने लगे और सुबह हुई तो फिर तीनों की आपस में मुलाकात हुई और एक दूसरे को बहुत बुरा भला इन तीनों ने कहा और फिर अपने इस तरीके से बाज रहने की उन्होंने तलकीन की एक दूसरे को और जब तीसरी रात आई तो तिलावत सुनने के लिए उनकी बेताबी में और इजाफा हो गया और तीनों के तीनों बेख्तियार उठे और जाकर कुरान सुनने लगे और सुबह हुई तो फिर एक दूसरे के सामने आमना सामना हुआ और बिल आखिर कहने लगे कि अब हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं हिलेंगे जब तक दोबारा कुरान ना सुनने का पक्का एहद एक दूसरे से ना बांध लें फिर उन्होंने आपस में एहद किया कि आइंदा हरगे ऐसा नहीं करेंगे और फिर अपने घरों को वापस चले गए और एहद आपको पता है इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक चीज़ था और वादे ये नहीं तोड़ा करते थे तो लिहाजा इन्होंने एक दूसरे से पक्का वादा लिया फिर ये तीन रातें क़ुरान सुनने के बाद अखनस बिन शुरैक ने क़ुरान के बारे में अबू सुफियान से सवाल किया और अबू सुफयान के घर आया और कहने लगा ए अबू हंजला ये तो बताओ कि जो कलाम तुमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है उसके बारे में तुम्हारी राय क्या है तो अबूसफियान ने कहा कि ए अबू सालबा कसम अल्लाह की बात चीज़ें जो मैंने सुनी हैं उन्हें मैं जानता हूं और उनका मकसद भी समझता हूं लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके मानी मैं नहीं जानता और ना ही उनका मकसद मुझे मालूम है तो अखनस कहने लगा कि अल्लाह की कसम मेरा भी यही हाल है अब दिल अगर ऐसे बेताब हो रहा हो और दिल के अंदर इस तरह की कैफियत हो तो जो हिदायत पाने के लिए अनबाइस्ड हो वो क्या करेगा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि साहिब कुरान के पास जाते और उनसे कहते कि हमें बताएं इन बातों का क्या मकसद है और मुमकिन है कि अल्लाह सुबह वरता उस वक्त ही इनके दिलों के ताले खोल देता लेकिन जब इंसान खुद हक को इग्नोर करता है बतरुल हक हक का सामने आ जाना और उसके बाद उसका टोटल इनकार कर देना तो इन्होंने ये किया और जब इन्होंने ये किया तो अबू सुफियान की किस्मत में बहरहाल हिदायत लिखी थी लेकिन बहुत देर से बहुत देर के बाद फ़तेह मक्का के मौके पर और बाकी दोनों जो है वो हालत कुफ्र ही में मर गए फिर अखनस जो है ये अबू जहल के पास भी गया अबू सुफियान के पास से उठने के बाद अबू जहल के पास गया और अबू जहल को आपको पता है कि कुरैश तो अबुल हकम कहते थे ना कि दानाई का बाप इतना दाना इंसान कि तुमने मोहम्मद वसल्लम से जो कुछ सुना है उसके बारे में तुम्हारा क्या मौक़ है तुम क्या कहते हो तो, तो यहाँ पर अब ज़रा अबू जहल की जो बात है जो जवाब है वो सुनने के लायक है और तकबर पर सोनीफाइड है इसमें और सारी की सारी जो नीयतें हैं वो बाहर खुल के आ गई हैं वो कहने लगा मुझे क्या सुनना सुनाना है हकीकत यह है कि हमारा और बनु मनाफ का सरदारी के मामले पर झगड़ा था उन्होंने लोगों की दावतें की तो हमने भी दावतें की उन्होंने लोगों के बोझ उठाए तो हमने भी बोझ उठाए उन्होंने सखावत की हमने भी सखावत की हती के दौड़ का मुकाबला करने वाले दो घोड़ों की तरह हमारा भी आपस में सख्त मुकाबला जारी था कि बनु अब मनाफ ने अचानक ऐलान कर दिया कि अब हमारे अंदर एक नबी पैदा हो गए हैं जिन पर आसमान से वही नाजिल होती है भला उनकी इस बात का हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं अल्लाह की कसम हम इस नबी पर कभी ईमान नहीं लाएंगे और ना इसकी तस्दीक करेंगे टोटल अपने कबीले की हमीयत और जाहिली हमीत तासब प्रेज़ अबू जहल के आड़े आ गया अबू जहल का मैंटल ब्लॉक उसका कबीला था और बेसिकली इसका मुहर्रिक भी क्या है हसद और तकबर कि वो हमसे आगे निकल जाएंगे फिर उसके बाद अल्लाह सुबहान तसोल्ला वसम को वही नाजिल की कि मुतदिल आवाज़ से क़ुरान पढ़ें सरा हामिम असजदा आयत नंबर ट्वेंटी सिक्स में फ़रमाया वीफ़र क़ुरानी के और इन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफर किया तुम इस कुरान को मत सुनो और जब पढ़ा जाए तो शोर मचा दो ताकि तुम गालिब आ जाओ तो ऐसे में फिर नबी सल्ह वसलम को अल्लाह व तै ने हिदायत की वला तहर बी का वला तो भी हा वब तगीबई नजाल सबीला और आप अपनी नमाज ना ज़्यादा बुलंद आवाज़ से पढ़ें ना पस्त आवाज़ से बल्कि उसके बैन बैन रास्ता इख्तियार करें सुबहानल्ला कोई बात ये अपने घरों में करते हैं ये गलियों में करते हैं ये मजलिसों में करते हैं दिन में रात के अंधेरे में अल्लाह सुबहान वाली नबी सल वसम के इस हालात के मुताबिक कुरान में आयात नाजिल करते चले जा रहे हैं और इसीलिए कुरान और सीरा और कुरान और सुन्नत कुरान और हदीस साइड बाय साइड आप एक को दूसरे के बग़ैर समझ ही नहीं सकते इब्ने अब्बास रदीला नम कहते हैं कि इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इतनी बुलंद आवाज़ से कुरान न पढ़ो कि लोग मुंतशिर हो जाएं और ना इतना आस्था पढ़ो कि जो शख्स मारे डर के चोरी छुपे सुनना चाहे वो सुन ही ना पाए क्योंकि शायद उसके दिल में कुरान करीम की कोई बात उतर जाए और उससे वो नफ़ा हासिल कर ले। कर ले इसलिए दरमिया रास्ता इख्तियार करते हुए तिलावत की जाए और सही बुखारी और मुस्लिम में इस आयत के शान नजूल के बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये रिवायत की जाती है कि नबी अक्रम सल्हस मक् छुप कर ज़िंदगी बसर फरमा रहे थे उस वक्त आप सहबा कराम को नमाज़ पढ़ाते वक्त बुलंद आवाज़ से किराद करते थे मशरक आपकी तिलावत सुनते तो कुरान उसके उतारने वाले और पढ़ने वाले को गालियाँ देते नाउज़बिल्ला चुनाचे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वला तजहर भी बी सला यानी अपनी नमाज में बुलंद ज़्यादा बुलंद आवाज से कुरान करीम ना पढ़ें कहीं ऐसा ना हो कि मशरकें सुनकर गालियां देने लगे वला तो खाफित भी हा। और इस कदर भी ना पड़े कि कोई कुरान सुन ही ना पाए आपका साथी भी ना सुन पाए वबतगी सबीला और इन दोनों के दरमियान अपना तरीका रखें मोतदिल बुलंदी और पस्ती के बैन बैन फिर इसी तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता अग्रेशन बढ़ रही है ठीक है फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कुफ़ार कुरैश की एवरी नाउ एंड देन एवरी डे कोई ना कोई लोग मुसलमान भी हो रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किस्म के प्रेशर में भी नहीं आ रहे और किसी किस्म की ऑफर पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेंट नहीं कर रहे तो अब उनकी फ़्रस्ट्रेशन बढ़ रही है अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि फिर इनके जो टैक्टिक्स हैं वो अग्रेसिव से अग्रेसिव होने लग जाएंगे अब अब्दुल्ला बिन मसूद ये एक सहाबी थे और इनका अपना कबीला मक्का में मुकीम नहीं था इनका कोई आ, वहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो इनको क्रैश के अग्रेशन से बचा सकता तो एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कर राम इकट्ठे हुए तो आ, कहने लगे कि कुरश ने तो कुर करीम की तिलावत ही नहीं सुनी इनको तलावत कौन सुनाएगा तो अबल्ला बिन मसूद ने फौरन कहा यह काम मैं करूँगा तो सहाबा ने मना किया कि हमें आपकी जान का ख़तरा है हम चाहते हैं कि यह काम कोई ऐसा शख्स करे कि कुरैश अगर उसे मारना चाहे तो उसका कबीला फ़ौर आकर उसकी बचा ले उसको तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि आप मेरी फिक्र मत करें अल्लाह सुबहन ख़ुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे फिर दूसरे दिन ये बड़ी ही ईमान अफरोज ये दास्तानें हैं जो इन लोगों ने रकम की हैं और हम तो पढ़कर कुछ अगर दिल में गर्मी भी महसूस करें तो हम समझते हैं कि हमारा जो है ईमान बस उसका यही तकाजा है लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया और जिन्होंने अपने ऊपर इन सारी चीज़ों को नाफि किया इस्लाम को नाफिज किया और इतनी दलेरी के साथ डट कर इस दिखाई और दरअसल ये चीजें हैं कि जो इनसे सीखने वाली हैं क्योंकि ये दौर जिसमें आज हम रह रहे हैं ये भी फितनों का दौर है ये भी दौर फितन है और इसमें भी रोज ईमान ट्राई किया जाता है उतना नहीं उस लेवल का नहीं जिस लेवल का उन लोगों का हुआ था लेकिन बहरहाल हमारा जिस लेवल का ईमान है उसके मुताबिक ही हम पर भी आज़माइशें आए दिन आती हैं तो अल्लाह सुबहान हमें भी इस अता फरमाए और हमें भी हिकमत अता फरमाए कि हम भी इसी तरह आखिरी दम तक अल्लाह के इस दीन के ऊपर डट कर रहे और अल्लाह सुबहन हमें भी शुकु को शुभहात से बचा के रखे आमीन तो अब्दुल्ला बिन मसूद जो हैं ये तशरीफ ले गए तकरीबन चाश्त का वक्त था कि जब ये मकाम इब्राहिम के पास तशरीफ़ ले गए और कुरैश अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे तो सयदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने तिलावत शुरू की, की और इन्होंने कुछ आयात उसकी तिलावत की तो कुरैश ने फौरन कान खड़े किए और कहने लगे उम्मे अब्द के बेटे ने क्या कहा है तो चंद लोग बोले कि ये तो वही तिलावत कर रहा है जो मोहम्मद लेकर आए हैं सल अलाम तो कुरैश इनके ऊपर झपट पड़े और उनके चेहरे पर मारने लगे थप्पड़ मारने लगे पीटने लगे लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद ना रुके जहाँ तक अल्लाह ने चाहा वो मुसलसल कुरान मजीद की तिलावत करते गए और जब कुरैश ने मारपीट ख़त्म की और उन्हें छोड़ा तो मुसलमानों की तरफ रवाना हुए इस हाल में कि उनका चेहरा शदीद ज़ख्मी हो चुका था तो साहबा कराम ने उन्हें देख कर कहा कि हम इसी बात से डरते थे कि मुशर्किन आप पर सख्त शब्द करेंगे तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अब तोल्ला ताली के दुश्मन मेरी नज़र में पहले से भी ज़्यादा हकीर हो गए हैं यानी अब तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि अच्छा बस इतनी सी मार ही कर सकते हैं तो अब तो मेरी झिझक और ज्यादा उतर गई है अगर आप लोग चाहें तो मैं सुबह फिर इसी तरह तिलावत करूंगा साहबा ने कहा आपका इतना काम ही काफी है क्योंकि जिस चीज को वो ना पसंद करते थे वो उन्हें सुना दी गई है फिर इसी तरह से एक और वाक्य जो है वो अपने कसर रहमोल्ला लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने मश्रक के बारे में बयान फरमाया है कि वो झूठ और बहुतानबी के तहत कहा करते थे कि मोहम्मद वसल्लम हमें जो क़ुरान पढ़कर सुनाते हैं उन्हें एक शख्स ये कुरान सिखाता है और इस सिलसिले में वो एक अजमी शख्स यानी गैर अरब का नाम लिया करते थे जो किसी क्रैशी ख़ानदान का ग़ुलाम था और वह कुहे सफ़ा के नज़दीक अपना सौदा सल्फ़ बेचा करता था तो रसोल सल वस बात उसके पास बैठ जाते और उससे गुफ्तगु फरमाया करते थे उस शख्स की ज़बान अजमी थी और वो अरबी नहीं जानता था या फिर थोड़ी बहुत मामूली अरबी वो जानता था जितनी उसको ज़रूरत थी इसलिए अल्लाह सुबह नश्रकिन के इस बहुतान की जवाब में ये आयात नाजिल फ़रमाईं वमुल बशर लिसानदून अल आजमी यू वहा लिसानरबी यूम मुबीन नहल आयत नंबर 103 के जिस शख्स की तरफ़ ये मंसूब करते हैं कि इससे वो सीख कराते हैं नबी अलैहि वसल्लम तो उसकी तो ज़बान अजमी है वो तो नॉन अरब है और ये एक फ़सी प्योर अरबिक है तो ये कैसे कब ट्रांसलेशन हो तो जाती हैं ये सारी क्या नबी वसल्लम खुद ट्रांसलेट करते हैं किस वक्त वो कहाँ होते हैं उस वक्त जब ये यह वो कर रहे होते हैं क्या ये वाकई मुमकिन है आपने थोड़ा सा एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करना हो तो आप देखें कि आपको कितने वसाइल चाहिए होते हैं तो ये कब हो जाता है बिल्कुल एक रैशनल ये आर्ग्यूमेंट है और अकल को अपील कर देने वाली आर्ग्यूमेंट है फिर इसी तरह से अल्लाह सुबहान कुार को आ, कुरान जैसा कलाम पेश करने का खुला चैलेंज भी फिर करते हैं अब ये उसी दौर में सब कुछ होता चला आ रहा है अल्लाबह तरमाया नरमाई आयत कुल लमिल जिन तु बि हादल क़ुरआन लू नही नबा लिबा दिन कह दीजिए अगर तमाम इंसान और जिन मिलकर इस कुरान की मिसल लाना चाहें तो उसकी मिसल न ला सकेंगे चाहे वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं ये भी सुरा आ, बनी इसराइल की आयत नंबर 88 है फिर इसी तरह से एक और जगह पर कुरान में सुरहूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर नबी अलैहि वसल्लम ने इसको खुद घर लिया है तो तुम भी इस जैसी दस सूर्त, दस सूरतें घड़ के ले आओ फिर आप वसल्लम ने सरायूनस में फ़रमाया कि ये कुरान ऐसा नहीं कि गैर अल्लाह की तरफ़ से घर लिया गया हो बल्कि ये तो उन किताबों की तस्दीक करता है जो उससे पहले की हैं और तमाम किताबों की तफसील बयान करता है इसमें कोई शक नहीं कि यह आलमीन की तरफ से है क्या वो काफिर कहते हैं कि इस रसूल ने उसे घड़ लिया है અને நபி સલલાલાહી વસલ્લમ ઇન લોગો સે કહે દીજીએ કે તુમ ઇસ જેસી એક સુરત લે આવ ઇસ જેસી કિતાબ લે આવ ઇસ જેસી 10 સુરતે લે આવ ઇસ જેસી એક સુરત લે આવ ઓર અલ્લાહ કે સિવા જિન જિન કો મદદ કે લિયે બુલા સકતે હો બુલા લો અગર તુમ સચ્ચે હો કુછ તો એક એસા કલામ લેકર આવ ઇસી તરહ સુરત અલ બકરા મે ભી યે ચેલેન્જ મોજૂદ હે ઓર ઉસકે બાદ તો અલ્લાહ તઆલા ને ફોરન યે ભી ફરમાયા હે कि अगर तुम ये ना कर सके तुम इस जैसी किताब ना ला सके वलन तफ और तुम हरगिज़ नहीं ला सकोगे तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन होंगे इंसान और पत्थर जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है इन्हीं हालात में फिर एक और दुश्मन दीन एक और शख्स जिसने आ, फिर एक और हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए और एक से बढ़ के एक होता था एक से बढ़ के एक प्रेशर टैक्टिक हुआ करता था यह शख़्स था नज़र बिन हारिस नून दौा दौरा नज़र बिन हारिस और यह भी बहुत ही एक शरीर और बहुत ही शैतान सिफ्त ये इंसान था और रिश्ते में यह अलैहि वसल्लम का ख़ाला था और जब इस्लाम आया तो ये अपने जहली अकायद पर ही अड़ा रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ देता था और ग़ज़वा बदर में ये आगे आगे था और इसी ग़वा में ये मुसलमानों के हाथों गिरफ़्तार हुआ और ये उनमें से था कि जिसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया था और अली बिन अबी बिनबी तालबरदी ने कत्ल किया था इसको तो एक दिन ये कुरैश से कहने लगा कि ए कुरैश के लोगों अल्लाह की कसम तुम पर ऐसी एक मुसीबत आ पड़ी है कि तुम लोग अब तक इसका कोई तोड़ नहीं ला सके मोहम्मद अलैहि वसल्लम जवान थे तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा आदमी थे सबसे ज़्यादा सच्चे थे सबसे बढ़कर अमानतदार थे और अब उनकी बालों में सफ़ेदी आ गई है और वो उम्र रसीदा होने को हैं तो तुम्हारे पास कुछ बातें लेकर आए हैं और तुम कहते हो कि ये जादू है अल्लाह की कसम ये जादू नहीं है और ना ही वो जादूगर हैं हमने जादूगर देखे हैं उनकी झाड़ फूंक और गिराबंदी भी देखी है फिर तुम कहते हो कि वो काहिन है तो वो काहिन भी नहीं है ये काहिनों जैसी उल्टी सीधी हरकतें और फिक्राबंदियाँ नहीं करते हमने उनकी ये सब कुछ चीज़ें देखी सुनी हुई हैं और तुम कहते हो कि शायर है तो अल्लाह की कसम ये शायर भी नहीं हम शायरी की, की तमाम किस्मों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं फिर तुम कहते हो कि ये जनू मजनून है तो हरगिज़ नहीं अल्लाह की कसम ये मजनून नहीं है इनकी कोई बहकी बहकी बातें ऐसी नहीं हैं कि जो हम कह सकें कि ये मजनून है दीवाने हो गए हैं कुरैश के लोगों सोचो और गौर करो अल्लाह की कसम तुम पर बड़ी जबरदस्त मुसीबत आन पड़ी है और इसका तुम्हें कोई माकूल हल ढूंढना है माकूल हल ढूंढने के लिए इसने क्या किया नजर बिन हारिस ने यह हीरा गया और वहां इसने जूस और क्रिश्चियंस की वहां पर सारी सिविलाइजेशन थी और इसने उनकी सारी माशरत देखी उनके रहन सहन देखे उनकी आजादाना आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलात देखा उनकी किताबों का जायजा लिया और उनके बादशाहों के वाकत रुस्तम और यार के ऐसे ऐसे वाक्यात जो फोक लोर्स और कहानियाँ और ड्रामे और ऐसी चीज़ें कि जो आपको संजीदगी से हटा कर गैर संजीदगी की तरफ ले जाएं वो सीख कर ले आया और एक निराला तरीका और ये उस वक्त निराला होगा ये अब निराला नहीं है अब तो तरीका ही सबसे ज़्यादा ये है और ये इतना कॉमन हो गया है कि इसकी जो एक यूनिकनेस थी या इसका एक बाहर से किसी चीज़ का आया हुआ होना था वो तो ख़त्म हो गया फॉरेन एलिमेंट तो अब इसमें रहा ही नहीं ये तो हमारे बेडरूम्स का और हमारे घरों का हिस्सा हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है ये फितना जो कि नजर बिन हारिस लेकर आया था अब अरब जो है वो इससे पहले वो बिल्कुल सिंपल सी एक मौसीकी के उनके यहाँ हुआ करती थी और ये वहाँ से लेकर आया ऐसी कॉम्प्लेक्स शेर व शायरी और ये लेकर आया कहानियाँ और ये लेकर आया गाने बजाने वाली लौंडियाँ और अब ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताक में रहने लगा जहाँ भी आप तशरीफ़ ले जाते और जिस जगह बैठकर भी आप अल्लाह के दिन की बातें बताते और लोगों को आखिरत के अजाब से डराते तो ये कहता अल्लाह की कसम मोहम्मद की बातें मेरी बातों से बेहतर नहीं हैं और फिर वो ईरान और रोम के जो बादशाह हैं रस्तम अस्वंदार वग़ैरह इन सब के किस्से कहानियाँ सुनाता और फिर कहता कि आखिर किस बिना पर मोहम्मद की बात मुझसे बेहतर है और इस सूरत हाल पर अल्ला ने सूरा अलफ़ाल की आयत नंबर इक्तीस नाजिल की कि जब इन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो ये कहते हैं यकीनन हमने सुन ली अगर हम चाहें तो इस तरह का कलाम हम भी कह सकते हैं ये तो अगले लोगों ही की दास्तानें हैं और वो भी दास्ताने सुनाता चला जाता और ये आयत और इसके हम मानी मज़ीद सात आयात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो व तआला ने नज़र बिन हारिस के लिए नाजिल फ़रमाई थी फिर इसका एक और हरबा भी था किस्से कहानियों के अलावा वो हरबा क्या था कि ये वहाँ से म्यूज़िक भी सीख के आया था गीत भी सीख के आया था और इसने अहल मक्का की सीधी सादी मौसीकी में उन लोगों की जो एक मौसीकी के जब रंग भरे तो बहुत से लोग उसकी तरफ़ माइल हुए और फिर ये दो रक्साएँ ख़रीदीं इसने डांसर्स डांसिंग गर्ल्स अब तो आपको कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ना अब तो आपको बस एक स्विच ऑन करना है और उसके बाद आपको हर तरह की नज़र बिन हारिस के टैक्टिक्स को आप पता नहीं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपको आपके बेडरूम के अंदर मिलता है तो अल्लाह अल्लाबा व तआला ने सूरह लुकमान आयत नंबर छः नाजिल फ़रमाई वम नन्नासी मई यश्तरी लहवल हदीस अन बिगैर इल्म व वय तखा हज़ुबा लहुम अज़ाब मुहीन और लोगों में से बाज़ वो हैं जो लग् बातें ख़रीदते हैं ताकि वो इल्म के बग़ैर अल्लाह की राह से लोगों को गुमराह करें और उसका मज़ाक उड़ाएं यही लोग हैं जिनके लिए रस्वाकुन अज़ाब है अब ये सब हो रहा था अब आहस्ता आहिस्ता आप देखें कि किस तरफ को हर तरह की जो हरबे हैं वो लेकर जा रहे हैं आ, क्या दीन सप्रेस हो रहा है ऐसा नहीं था तो जब दीन सप्रेस भी नहीं हो रहा था इतने ज़्यादा हरबों के बावजूद भी और कोई इस्लाम लाने वाला मरतद भी नहीं हो रहा था साबिकून अलवलून साहब कराम में से किसी एक का ईमान भी नहीं डोला इतने हरबों के बावजूद भी तो अब ये इनकी हसरत में और इनकी फ्रस्ट्रेशन में मज़ीद इजाफ़ा होने लग गया तो वलीद बिन मग़ैरा जो है वो भी बहुत ही मायूस जो लोग शिकस्त खुर्दा और मायूस हो रहे थे और बेबस अपने आप को महसूस कर रहे थे ये भी उन्हीं में से था एक दिन कहने लगा कि जो बात मोहम्मद अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अगर ये हक होती तो कुरान मुझ पर नाजिल होता या अबू मसूद सकफ़ी पर उतरता क्योंकि वह अहले ताइफ़ का सरदार है तो दर हकीकत हम ही इस शर्फ़ के ज़्यादा हकदार थे इसलिए कि मैं मक्का में सबसे ज़्यादा मोहतरम कबीले कुरैश का सरदार हूँ और तइफ़ में सबसे ऊँचे मरतबे वाला अबू मसूद है जो सकीफ़ का फरमा रवा है यूँ हम दोनों अपनी अपनी जगह अजीमशान शहरों मक्का और तइफ़ के सरदार हैं तो अल्लाह सुबह व ताली ने आयत नाज़िल फ़रमाई सरारफ थर्टी वन वक़ाल लऊलाज हाजल क़ुरआन अला रजुल मिनलकर तय अजीम और इन्होंने कहा ये कुरान इन दोनों शहरों में से किसी बड़े आदमी पर नाजिल क्यों नहीं किया गया तो अल्लाह ताली फरमाते हैं कि क्या आपके रब की रहमत ये तकसीम करते हैं इनका कोई हिस्सा है इसमें कि ये बताएंगे कि किसको क्या चीज़ मिलेगी कौन सा अल्लाह का फज़ल किसको मिलेगा ये अल्लाह ताला ने इख्तियार और हक किसी को भी नहीं दे रखा फिर इसके बाद थोड़ी और अग्रेशन का इन्होंने इरादा किया और इन्होंने सोचा कि अब हम मोहम्मद वसल्लम के खुदा की बेअदबी करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरक़ी के बातिल जो अकायद थे उनके नकाइस लोगों के सामने बरमिला करते थे कतादा फरमाते हैं कि मुसलमान बुतों को बड़े ताने देते थे तो इसलिए जो कुरैश के रूसा थे बड़े बड़े ये वलीद बिन मुगीरा अबू जहल वगैरह तो इन्होंने कहा कि अब हम इनके मबूद को बुरा भला कहेंगे तो अबू जहल ने कहा कि ये तो तजवीज़ बड़ी अच्छी है ऐसा तो ज़रूर होना चाहिए यानी हम कोई जवाब दें तो फिर ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमानों के लिए नाजिल हुई वला तसुब्बुलधीन यदून अ मंदून फ़ैसुब्बा अदबन ब़ैर ओ और तुम उन्हें गाली ना दो जिन्हें ये लोग मुशरिकीन, यानी अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वरना वो भी जहात में हद से गुजरते हुए अल्लाह को बुरा भला कहेंगे और ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन नेचर है कि आप किसी को अगर उसके प्यारे को या अजीज को बुरा भला कहेंगे तो जाहिर है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा आप देखें कि नबी अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने वाले को गाली दे तो लोगों ने पूछा साहबा ने कि यार सोलोल्ला सल्ला वालदान को कौन गाली देता है तो आपने फरमाया कि जब कोई किसी दूसरे के वालिदैन को बुरा भला कहेगा तो वो पलट कर उसके वालिदैन को बुरा भला कहेगा क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है तो आ, वो फिर इसका मतलब है कि मुहर्रिक अपने वालिदैन को बुरा भला कहलवाने का तो वो ख़ुद बना ना उसने पहल की दूसरे के वालिदैन को बुरा भला कहने की तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक तरबियत जो है वो की जा रही थी और साहबा की वसात से हम सब की भी की जा रही है कि आपको किसी भी जगह पर तबलीग करनी है तो नेगेटिविटी मत फैलाएं नेगेटिव बातें या दूसरों के अकायद का मजाक उड़ाने वाली बातें वो ना करें बल्कि ऐसी पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द फैलाएं कि लोग आपकी बात सुनने को तैयार हों तो अल्लाह सुबहान ने जो मबूदान बातिला हैं उनकी भी बात करने से मना कर दिया क्योंकि वरना एक बहुत बड़ी जरत वो और अल्लाह ताला मार्जिन दे रहे हैं कुरैश को बगैर ये इल्म। उन्हें पता नहीं कि ये कितनी बड़ी जसारत होगी कि अगर ये अल्लाह को बुरा भला कहेंगे ना नाउज़बिल्ला और ये कहना उनके लिए कोई आसान नहीं था अल्लाह को मानते थे वो लोग ये अब सारे का सारा सिर्फ़ और सिर्फ वेंजेंस में हो रहा था तो अल्ला सुबहान तला ने वो वस्ते ही बंद कर दिया फिर उसके बाद एक और सौदेबाजी की पेशकश का वक्त आ गया और यह सौदेबाजी का क्या ऑफर थी ये ऑफर थी कि इस्लाम और जाहिलियत को मिला जुला कर एक मुश्तरका दरमियानी रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे इंटरफेथ डायलॉग कर लेते हैं कुछ बातें तुम हमारी मान लो कुछ बातें हम तुम्हारी मान लेंगे कोई ऐसी किताब ले आते हैं कि जिसमें कुछ चीज़ें हमारी कुछ चीज़ें तुम्हारी एक चीज़ याद रखिए कि अल्लाह सुबहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी हालात में तोहद पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की इजाज़त नहीं दी है उसके अलावा आप देखें कि नमाज है रोज़ा है वो इस्तात हो तो आप करते हैं ना हो तो आपके लिए और कई चीज़ें हैं कई वे आउट हैं आपके पास लेकिन तोहिद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उन हालात में भी अल्लाह सुबहान क़लम की आयत नंबर नाइन नाजिल की वद्दू लिनु फ़ैुदिन वो चाहते हैं कि कुछ नर्म आप पढ़ें और कुछ वो नर्म पड़ जाएँ तो आप बिल्कुल नर्म मत पढ़िएगा एक दफ़ा रसुल्ल सल्ल वसल्लम बैतल्ला का तवाफ़ फरमा रहे थे कि कुरैश के अकाबिर में से असवद बिन मुतलब और वलीद बिन मग़रा उमैया बिन खलफ़ आस बिन वाइल वगैरह रसोल्ला वसल्लम के सामने आ गए और कहने लगे मोहम्मद आओ जिसे आप पूजते हैं उसे हम भी पूजें और जिसे हम पूजते हैं आप भी उसकी पूजा कर लें इस तरह हम और तुम इस काम में मुशतरक हो जाएंगे आप देखें कि इसी को आज टॉलरेंस कहा जा रहा है कि हर चीज़ को टॉलरेट कर लो हर बातिल अकीदे को टॉलरेट कर लो हर अखलाक और हया से गिरी हुई हरकत को टॉलरेट कर लो कि तुम वो करो जो तुम चाहते हो हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं अगर तुम्हारा मबूद हमारे मबूद से बेहतर है तो हम उसकी नवाजिशात के हकदार ठहरेंगे और अगर हमारा मबूद तुम्हारे मबूद से बेहतर निकला तो तुम उसकी नवाज शाद के मुस्तक ठहरोगे तो लिहाजा तुम हमारे की पूजा करो हम तुम्हारे की करते हैं तो रसोल्लम ने फरमाया मैं अपने रब की तरफ से सही रहनुमाई का मंतज़र हूँ तो उस पर यह सूरा नाजिल हुई सूर अलकाफरन जो बिल्कुल वाज क्लियर बता देती है कि इस्लाम किसी वक्त पर भी तोहहीहीद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अक़दे पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और ये कि इस्लाम की अपनी एक आइडेंटिटी है अपना एक तश्स है अपनी सिविलाइजेशन है अपनी मीशत अपनी माशरत अपना ज़िंदगी है और वो किसी सूरत भी लकुम दिन भली दीन वो किसी सूरत भी दूसरे अध्यान के अंदर दूसरे ज़िंदगी के अंदर असीमलेट नहीं होता और यही आज भी है चाहे हम एक पस्ती के दौर में हैं चाहे हम एक बिगाड़ के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद ईवन टुडे आज भी इट इज़ ओनली इस्लाम जो कि स्टैंड आउट कर रहा है जिसने के कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सी चीज़ों पर नहीं किया और जिसकी वजह से ये आ, जो आ, इस्लाम दुश्मनी है और दुनिया में जो ये एक खब है इस्लाम को ख़त्म करने का और इस्लाम को जेर करने का वो जारी है क्योंकि वो उन लोगों के साथ असीमलेट नहीं हुआ एक और रिवायत में आता है कि कुरैश ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपको एक तजवीज़ पेश करते हैं इसमें सरासर आप ही की भलाई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा क्या तजवीज़ है वो तो उन्होंने कहा कि एक साल आप लात और औरज़ा की इबादत कर लें और एक साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे तो फिर अल्लाह सुबहान तआला ने ये आयात नाजिल फ़रमाई क़ुल अफ़ैर अल्लाह अअबुदु मरून जाहिलून कह दीजिए ए जाहिलो क्या तुम मुझे अल्लाह के बारे में हुक्म देते हो कि मैं उनकी इबादत करूं ये सुरह जुमर की आयत 64 फ़ोर टू सिक्सटी थी फिर इसके बाद अब दोबारा से टैक्टिक्स जो हैं वो आ, शुरू हो रहे हैं अब नबी अलैहि वसल्लम को लालच देने के लिए एक और इजतमा किया कुरैश ने और लिटरली इनके हवास अब इस वक्त बिल्कुल जवाब दे रहे थे कि अब हम करें तो क्या करें मक्का तो हमारे हाथों से निकल रहा है आप देखें कि कुछ ही सालों में ये जो इतने अपने आप को बड़े बड़े सरदार समझते थे कई तो इनमें से मारे गए बदर ही में और बाकी ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट अपोजिशन बन के रह गए क्योंकि इन्होंने अपोजिशन की किसकी थी क्या एक अल्लाह के बंदे की की थी इन्होंने अल्लाह की की थी और जो अल्लाह की अपोजिशन करता है अल्लाह सुबहान ताली इसी तरह से उसको इनसिग्निफिकेंट कर देते हैं और अभी इस वक्त उनको ये कुछ पता नहीं है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है लेकिन उनको ये समझ आ रही है कि हमारी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी अगर मोहम्मद अलैहि वसम बाज ना आए तो अब आप आप को याद होगा कि उतबा ने मुजाकर किए मुख्तलफ़ पेशकश की फिर ये नाकाम हुई कोशिश तो अबू तालिब के पास गए और अब फिर से ये जो हैं सर जोड़ कर बैठे और इन में भी ये सारे बड़े बड़े जो इनके सरदार थे उतबा शैबा वलीद अबू सुफियान नजर बिन हारिस बुख्तरी, असद बिन मुतलब ज़मा बिन असवद अबू जहल अब्दुल्ला बिन अबी उमैया आस बिन वाइल उमैया बिन खलफ़ ये सब मौजूद थे और इन्होंने अपना जो गुब आफ्ताब के बाद मग़रब के बाद इन्होंने अपना इज्तम खाना कबा के पास किया और सब इकट्ठे हुए और कहने लगे कि आज एक फ़ैसला कन बात करो और आज एक ऐसी ऑफ़र दो कि उज़र हमेशा के लिए ख़त्म कर दो इसके बाद फिर हम आ, इसके साथ सख्ती करेंगे अगर ये ना माना या फिर उसको एक ऐसी ऑफ़र दो कि वो उसको रिफ्यूज़ ही ना कर सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन्होंने पैगाम भेजा कि आपकी कौम के सरदार आपको बुला रहे हैं तो कहा जाता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ये ख्याल फरमाया कि शायद कौम का जहन तब्दील हो गया है और ये इस्लाम लाने के करीब आ गए हैं तो इसलिए ये मुझे बुला रहे हैं तो आप फौरन तशरीफ़ ले आए तो जाहिर है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तड़प थी कि ये सब मुसलमान हो जाएं और उनकी सच्ची खैर खवाही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तड़प थी तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब रईसों के सामने आप बैठ गए तो वो कहने लगे कि अय मोहम्मद हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज तुमसे हतमी बात कर लें हमने आज तक किसी अरबी नौजवान को नहीं देखा जिसने अपनी कौम को तबाही में इस तरह मुबतला कर दिया हो जिस तरह तुमने अपनी कौम को मुबतला कर दिया है तुमने हमारे असलाफ को गालियाँ दीं हमारे दीन में ऐब जोई की हमारे बुतों को बुरा कहा हमें बेवकूफ़ ठहराया और हमारे इतहाद में तफरीक डाली भला कौन सी कबाहत बाकी है जो तुमने हमारे माबेन पैदा नहीं की ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच सच बता दो अगर इस ढोंग से नाउज़बिल्ला तुम्हारा मकसद माल जमा करना है तो हम चंदा करके इतना माल जमा कर देते हैं कि तुम हम सबसे ज्यादा मालदार बन जाओगे फिर वही जो उतमा ने अकेले बैठकर ऑफर्स की थी ना अब ये सारे मिलके कर रहे हैं अगर तुम शर्फ़ व मंजिलत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार तस्लीम कर लेते हैं अगर बादशाही चाहते हो तो हम तुम्हें अभी अपना बादशाह बनाने पर तैयार हैं अगर तुम पर किसी जिन या परी का साया पड़ गया है जिसने तुम्हें परेशान कर दिया है तो हम अपना सरमाया खर्च करते हैं और तुम्हारा इलाज करा देते हैं हती कि तुम तंदरुस्त हो जाओ फिर नबी अक्रम सल्ह वसलम ने इनकी सारी बातें सुनकर इर्शाद फरमाया कि तुम लोग जो कुछ कह रहे हो मुझे इसमें से किसी भी चीज़ की तलब नहीं है मैं जो कुछ तुम्हारे पास लेकर आया हूँ उसका मकसद तुम्हारा माल लेना शर्फ़ और फजीलत हासिल करना या बादशाह बन जाना हरगिज़ नहीं है हाँ मुझे अल्लाह व तआला ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है मुझ पर अपनी किताब नाजिल फरमाई है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम में से उस पर ईमान लाने वालों को खुशखबरियाँ सुनाऊ और इनकार करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से डराऊं यकीनन मैंने अपने रब के पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दिए हैं और तुम्हारी हर तरह की भलाई और ख़ैर खाही कर दी है अगर तुम मुझसे वो बात कबूल कर लोगे जो मैं तुम्हारे पास लाया हूँ तो यकीनन दुनिया और आखिरत में खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है और अगर तुम मेरी दावत रद्द करोगे तो मैं अल्लाह ताला के हुक्म के लिए सब्र करूँगा यहाँ तक कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह फ़ैसला फ़रमा दे ये बातें सुनकर कुरैश कहने लगे कि अगर आपको हमारी कोई भी तजवीज़ कबूल नहीं है तो फिर इस मामले पर ज़रा इस अंदाज़ से गौर करें कि हमारा इलाका तमाम इलाकों से ज़्यादा तंग है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पानी की कमी है सबसे कम ज़रूरियात ज़िंदगी हमें मिलती हैं किसी को इतनी किल्लत नहीं होती जितनी हमें होती है लिहाजा जिस रब ने आपको भेजा है और जिसका आप दावा करते हैं तो उससे दुआ कीजिए कि वो इन पहाड़ों को हमारे पास से हटा कर दूर कर दे इन पहाड़ों ने हमारे शहर को तंग कर दिया है अपने रब से कहिए कि हमारे शहर को हमवार और कुशादा कर दे और जिस तरह शाम और इराक़ में दरिया बह रहे हैं इसी तरह हमारे लिए भी दरिया बहा दे हमारे मरे हुए आबाओ अजदाद को जिंदा कर दे और इन में से बिन किलाब को जिंदा करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सच्चा इंसान था और अगर वो आपको कहेगा कि आप सच्चे हैं तो फिर शायद हम आपको मान लें हम उससे तो पूछें पहले कि वो क्या कहता है और अगर आपने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया और हमारे बुजुर्गों ने भी आपकी तस्दीक कर दी यानी कुसई ने तो हम आपको सच्चा मान लेंगे और अल्लाह के नजदीक नजदीक आपका मर्तबा भी जान जाएंगे और तस्लीम कर लेंगे कि वाकई अल्लाह ताला ने आपको अपना रसूल बनाकर भेजा है तो ऐसे में अल्लाबहन वाला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई सरा अर्राद आयत नंबर इकतीस वन अन्ना सुय रथ बिहिल जबाल औ बहिल अर्धल अवकुल्य अगर बिलाशुबा क़ुरान ऐसा होता कि उसके जरिए से पहाड़ चलाए जाते या उससे ज़मीन कता की जाती या उससे मुर्दे बुलवा लिए जाते तब भी ये कुफ़ार ईमान ना लाते और इसी तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अब ये बेसिकली ये सारा इस्तेजा था और ये सारा एक ऐसा चैलेंज था कि जो इंसान को गुस्सा भी दिला सकता है लेकिन आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी स्टेज पर भी आपने अपनी जो कूल है उसको लूज़ नहीं किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह सुबह व तआला ने मुझे इन कामों के लिए नहीं भेजा है मैं तो उसका पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया हूँ और मैंने वो पैगाम तुम्हें पहुँचा दिया है अगर तुम उसे कबूल कर लो तो ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखरत की नसीबी है और अगर तुम उसे मुस्तरद कर दो तो फिर भी मैं हुक्म इलाही के लिए सब्र करूंगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला फरमा दे ये सुनकर कुरैश ने कहा अगर आप हमारे भले के लिए कुछ नहीं करते तो ना करें हमें कोई इसरार नहीं चलिए कम से कम अपने लिए ही कुछ मांग लें ज़्यादा नहीं तो कम से कम अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता ही मुकर कर दे जो हर वक्त आपका बॉडीगार्ड गार्ड बन के रहे और आपकी हर बात की तस्दीक करे और हमें आपसे दूर रखे और आप अपने रब से कहें कि आपको कोई बागात दे कोई महल बनाए आपको कोई दौलत दे और आपकी ये जो गुरबत है उससे आपको निजात मिले तो हम तो यही देखते हैं कि आप ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने के लिए बाज़ारों और मंडियों में फिर रहे होते हैं तो अगर ऐसा कुछ हो तो फिर हम मान लेंगे कि आप सच मुझ अल्लाह के रसूल हैं और उसके हाँ आपका बड़ा मर्तबा है तो ये सुनकर रसूल वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये काम करने वाला नहीं मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ कि अपने परवरदिगार से इन चीज़ों का सवाल करूँ ना मैं तुम्हारे ऐसे मुतालबात पूरे करने के लिए भेजा गया हूँ मुझे तो अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों को खुशखबरियाँ देने वाला और कुफर करने वालों को डराने वाला बनाकर भेजा है जो दीन मैं लाया हूं अगर तुम उसे कबूल कर लो तो दुनिया और आखिरत में खुश रहोगे और अगर उसे मुस्तरद कर दोगे रिजेक्ट कर दोगे तो मैं अल्लाह के हुक्म के लिए सब्र करूंगा यहाँ तक कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह फैसला फ़रमा दे और इन सब चीज़ों का भी जिक्र अल्लाह जिकर अल्ला ने कुरान में किया मसलन सरा बनी इसराइल की आयत 90 टू 93 में कि ये क्या क्या मुतालबात इन्होंने नबी अलैहि वसल्लम के साथ किए हैं और सिर्फ और सिर्फ़ कच बहसी के तह, तहत तहत किए हैं तो नबी अलैहि वसल्लम ने जब यह जवाब दिया तो गुफ़ार कहने लगे कि आपका परवरदिगार जानता है कि हम आपसे एक मजलिस में ये सवालात करेंगे और ये मुतालबात पेश करेंगे तो उसने पहले से ही आपको हमारे सवालात के जवाब सही सही क्यों नहीं बता दिए ताकि हम मतम हो जाते और यानी डिफरेंट डिफरेंट जो इनके टेक्टिक्स थे और कज बहसी थी उसकी एक इंतहा को ये पहुंचे हुए थे फिर कहने लगे कि हमें तो आपके बारे में ये भी पता चला है कि यमामा का एक रहमान नामी आदमी है जो आपको सिखा जाता है तो हम तो यमामा के रहमान पर कभी ईमान नहीं लाएंगे और आपने तो हमने आपके सारे उज़र ख़त्म किए और आपको हर तरह से लाजवाब कर दिया है और अब हम हरगिज़ आपको ये मौका नहीं देंगे कि आप हमें मज़ीद परेशान करते रहें अब तो सिर्फ ये सूरत बाकी रह गई है कि हम आपको हलाक कर दें या आप हमें मौत के घाट उतार दें तो इस किस्म की तकलीफ़ दे बातें जो हैं ये आप के साथ ये किया करते और इनमें से कुछ जो थे वो आपके भाई बन् थे यानी मसलन एक जो आपकी भूपी आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला बिन अबी उमैया था वो भी आपके पीछे पीछे आता और आपके साथ जाहलाना तकरार में वो भी शामिल होता तो आप देखें कि ये चीज़ें फिर और ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं जब इंसान अपने ब्लड रिलेटिव से सुनता है जब इंसान ऐसे लोगों से सुनता है कि जो उसके अपने दोस्त और भाई बंद होते हैं तो अब्दुल्ला बिन उमैया जो आपकी भूपी आतिका का बेटा था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया और कहने लगा कि ए मोहम्मद आपकी कौम ने आपके सामने कई तजवीज़ें रखी मगर आपने उनकी एक बात भी नहीं मानी और फिर उन्होंने आपसे चंद बातें अर्ज ताकि उनके पूरे हो जाने से अल्लाह के नज़दीक आपके मरतबे का पता चल जाए आप वो भी ना कर सके फिर उन्होंने कहा कि आप ख़ुद ही अपने लिए कुछ अल्लाह से मराहत हासिल कर लें तो आप वो भी ना हासिल कर सके तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं अब अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो हम पर वो अजाब ले आए जिससे आप उन्हें रोज़ाना डराते हैं और मैं तो आप पर कतन ईमान नहीं लाऊंगा चाहे आप मेरे सामने सीढ़ी लगाकर आसमान पर चढ़ जाएं और वहां से अपने लिए अपने रब से चिट्ठी लिखवा लाएं और साथ चार फरिश्ते भी उतर आएं जो शहादत दें कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं मैं फिर भी आपकी तस्दीक नहीं करूंगा तो ये बातें आपको ज़ाहिर है बहुत गमगीन करती थी और इन्हीं बातों के ग़म का अल्लाह अला सुबह ने कुरान में एक्नॉलेज किया है कि हम जानते हैं कि आपका सीना तंग होता है हम जानते हैं कि आपको ग़म होता है और सूरा ताहा कहाा काफ और सरा हिजर इन तीन सूरतों में ये जो गमगीन बातें हैं इनका इलाज बताया गया है ग़म कर देने वाली बातों का इलाज बताया गया है और वो क्या है अल्लाह की तस्बीहात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार यही कहा जाता था कि आप अल्लाह की तस्बीह करें फिर एक और मुतालबा लेकर आ गए और कहने लगे कि मोहम्मद अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए कोह सफ़ा को सोने का बना दे अगर ये पहाड़ सोने का बन गया तो हम मुसलमान हो जाएंगे तो रसोल सल्ह वसलम ने दुआ फरमाई जब्राही नाजिल हुए और कहने लगे ए अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व ताली ने आप पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि अगर आप चाहते हैं कि सफ़ा को सोने का बना दिया जाए तो बना दिया जाएगा फिर उसके बाद अगर किसी ने कुफर किया तो उसे लाज़मन ऐसा अजाब दिया जाएगा कि वैसा अजाब दुनिया भर में किसी को नहीं दिया गया और अगर आप चाहते हैं तो इनके लिए रहमत और तौबा का दरवाज़ा खोल दिया जा, जा, जाएगा इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो रहमत और तोबा के दरवाज़े ही का तलब हूँ फिर उसके बाद एक और जो तरीका था अब उनकी एफ़र्ट्स भी बहुत एक आगे से आगे बढ़ती चली जा रही हैं अब उन्होंने समझ की कि कोई चीज़ असर नहीं कर रही तो अब हम जो अहले किताब हैं उनके पास जाते हैं और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्ला किसी ना किसी तरीके से ट्रैप करने का कोई तरीका तलाश करते हैं तो इसी के पेश नज़र नज़र बिन हारिस और उकबा बिन अबी मोत इन दोनों को यसरप भेजा गया और यहाँ के यहूद जो हैं इनके साथ इनके कुछ ताल्लुक भी थे तो इन्होंने यहूद के जो हैं उनको मोहम्मद अलैहि वसल्लम के बारे में बताया उनकी सिफ़ात बताई नबूवत के दावे का हाल सुनाया और पूछा कि अः यहूद आप अहले तौरात हैं आप इस मुदय नबूवत के बारे में क्या जानते हैं हम इसके सच या झूठ का फ़ैसला किस तरह करें तो यहूद ने कहा कि तुम उनसे तीन सवालात करो और अगर वो इन सवालात का सही जवाब ना दे सके तो फिर वो झूठे होंगे और उसके बाद तुम जो चाहे फैसला कर लेना सवालात क्या थे नंबर एक उन नौजवानों के बारे में पूछो जो जुल्म से बचने के लिए एक गार में जाकर छुप गए थे यानी असाबिक कहफ की जो एक अजीब व गरीब है उसके बारे में पूछो दूसरे इनसे उस शख्स के बारे में पूछो जिसने ज़मीन के तमाम मशरकी और मगरबी ममालिकेर नगी कर लिए थे वो कौन था उसका एंड कैसे हुआ था यानि जुल्कर नैन के बारे में और तीसरा सवाल ये करो कि रूह क्या चीज़ है और उसके बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए तो ये दोनों वापस आए और इन्होंने कहा कि ये तीन सवाल अब हमने पूछने हैं और देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या जवाब देते हैं तो यह सुनकर कुरैश इकट्ठे होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप अलैहि वसल्लम से सवाल करने शुरू कर दिए कि ए मोहम्मद बताइए वो नौजवान कौन थे जो ओ सितम से बचने के लिए अपने घर से निकल गए हमें उनकी अजीब व गरीब सुनाइए दूसरा सवाल ये है कि वो आदमी कौन था जिसने ज़मीन के मशरक और मगरब आ, किनारे छान मारे मशरकी और मगरबी किनारे छान मारे और उन पर गलबा पा लिया और ये बताइए कि रू क्या चीज़ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं कल जवाब दूंगा और इन कहना भूल गए क्रैश आपसे वादा लेकर वापस चले गए और इधर पंद्रह दिन तक कोई वही ना आई और ना ही जबराइल आसमाम तशरीफ़ लाए क्रैश और अहले मक्का ने जब कोई जवाब ना पाया तो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हमसे एक दिन का वादा था लेकिन अब तो इतने दिन गुज़र गए पंद्रह दिन भी गुज़र गए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ आप सल्ह वसम बहुत गमगीन थे पंद्रह दिन के बाद जब्रैल वसम तशरीफ़ लाए और वही नाजिल हुई और इस वही में अल्लाह अल्लाबहाना वत ने मशरकिन के सवालात का जवाब दिया और आपसे फ़रमाया कि मशरक़ों के ईमान न लाने की वजह से आप क्यों अपने आप को हल्कान और परेशान करते हैं उनके ईमान न लाने की वजह से आपको हरगिज़ परेशान नहीं होना चाहिए था और आ, बेसिकली फिर आपको पता है कि सूरह काफ में ही अल्लाह सुबहान यह फ़रमाया वला वाला तकुल्लिशन अन्फ़ा झाक् यशा अल्लाह कभी ये मत कहिएगा कि मैं ये कल कर लूँगा मगर ये के साथ आप कहें कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ये कर लूँगा अब इन तीनों सवालात का जवाब मिल गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत उनके ऊपर आया पहले भी थी ये मैं आपको बताऊं कि पहले भी थी और अब मज़ीद हो गई लेकिन फिर भी ये अपनी सरकशी में और ज़्यादा आगे बढ़ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और से और मसाइब और तकलीफ़ात के लिए पहुँचाने के लिए नित नए हरबे तलाश करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहीं तक रखेंगे سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته